मोशन ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट अ जज वॉज टेबल्ड इन पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट इन नाइनटीन नाइनटी वन कहता है कि किसी जज के इम्पीचमेंट के लिए पहली बात मैं बता दूं ये इम्पीचमेंट वर्ड यूपीएससी ने कई बार अपने पेपर में यूज किया है बट अगर ये बात ऑप्शन में होती तो गलत होती जैसे इम्पीचमेंट केवल प्रेसिडेंट का होता है ठीक है प्रेसिडेंट का होता है ये बात मैंने यहाँ क्यों लिखी कि ऐसा यूपीएससी के क्वेश्चन से उठाया गया ये इमोशन ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट ये रिमूवल होना चाहिए ठीक है सभी बच्चे इस बात पे ध्यान देंगे ये रिमूवल होना चाहिए चलो और फर्स्ट टाइम यानी कि किसी जज के रिमूवल का जो प्रोसेस है उन्नीस में, में पहली बार पार्लियामेंट में टेबल किया गया था एंड इट वॉज इट इन्वॉल्व सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वी रामास्वामी वी रामास्वामी के बारे में है अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पढ़ लिया होगा तो वहां पे इनका नाम मेंशन है इस केस के साथ द कमिटी कंक्लूडेड दैट देयर ऑफिशियल पोजिशन तो कमिटी थी उसने ये पाया तो कि स्वेच्छा से मिस यूज ऑफ द ऑफिशियल पोजिशन था और इंटेंशनल एक्सचेकर उंटेड टू विच ऑफ दे फॉलोइंग देखो एक केस यहाँ पे मेंशन है और उस केस के आधार पर किसी जज पर रिमूवल मोशन चलाया जा रहा है पार्लियामेंट में क्या बेसिस हो सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट जजेस को हटाने के लिए दो बेसिस हैं या तो मिसबिहेवियर है या इनकैपेसिटी है इन दोनों में से कोई एक हो सकता है ठीक है करप्शन अपने आप में कोई बेस नहीं होता वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कोई बेस नहीं होता एक बात वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के केस में लागू होता है ठीक है तो ये तो हो ही नहीं सकता अब या तो बी हो सकता है या सी हो सकता है ठीक है तो जब भी कोई जज मान लीजिए कि वो विलफुल या ग्रॉस मिस की बात करें इस शब्द पर सभी बच्चे ध्यान देंगे ऑफिशियल पोजिशन का मिसयूज किया जाए और इंटेंशनल एंड हैबिचुअल एक्स्ट्रावेंजेज एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक एक्सचेकर मतलब कि अपव्यय किया गया हो ठीक है जान बूझ कर सरकारी खजाने को जनता के पैसे को एक्सपेंस खर्च किया गया हो तो ये सा, सारी चीजें अमाउंट करती मिस मिसबिहेवियर को तो इसे रीड करना सीखिए आप है ना इस इन के तौर पर नहीं रिकोगनाइज किया जाएगा तो बी इसका सही उत्तर होगा ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द स्टेटमेंट अबाउट इरोजन ऑफ प्रेस्टीज ऑफ पार्लियामेंट देखो पिछले काफी समय से मतलब इवन नेहरू जी के टाइम से भी मिस यूज ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिवलेजेस होने लगे थे जिसकी वजह से जो संसद की प्रस्टीज है गरिमा है उसमें कई बार प्रश्न चिन्ह लगते आए हैं हालांकि उनके टाइम से नेहरू जी ने अपने टाइम से कई बार अपोजिशन पार्टी को पर्याप्त स्पेस देने की कोशिश की जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से कि <laughs> के माध्यम से वो अपोजिशन के मेंबर्स और उन सभी को पार्लियामेंट्री प्रोसेस में स्कोप देने के फेवर में थे लेकिन उनके समय के बाद से ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो पार्टीज पावर में थी और जो अपोजिशन में थी उन सभी ने पार्लियामेंट्री ज को हर्ट करने की कोशिश की विलफुल या विदाउट विल बट वो हर्ट कर सकें <laughs> अब इस बैकग्राउंड में हम चीजों को समझेंगे ठीक है अ मेजर थ्रेट टू पार्लियामेंट इन इंडिया इज पोस्ड बाय द ग्रोथ ऑफ डाइवर्स एंड डिविव फोर्सेस इन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज कहता है कि राजनीतिक दलों में विविध और विभाजनकारी ताकतों की वृद्धि ने संसद के लिए एक बड़ा खतरा पैदा किया है ठीक है दूसरा स्टेटमेंट अपोजिशन पार्टीज आर बाय कंसीडरेशंस, अपोजिशन पार्टीज आर प्रॉम्प्टेड बाय, प्रॉम्प्टेड मोर बाय ऑफ एक्सपीरियंसी एंड पोलिटिकल मोटिव्स एंड आइडियोलॉजी हाउ एवर रूलिंग पार्टी डिफेंडेड द प्रेस्टीज ऑफ पार्लियामेंट कहता है कि जो विपक्ष के दल हैं उन्होंने पार्लियामेंट्री प्रस्टीज को अफेक्ट किया है किस तरह से ज्यादा वो पॉलिटिकल पॉलिटिकल मोटिव से पार्लियामेंट्री प्रस्टीज को अफेक्ट कर रहे थे हाउ एवर रूलिंग पार्टीज यानी कि जो पावर, जो पावर पार्टी पावर में थी जो पार्टी पावर में थी जो सत्ताधारी दल था उसने इस प्रोसेस को बचाव करने की कोशिश की यहां पे ध्यान देना थोड़ी देर पहले मैंने बोला था फ्रॉम द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी जी उसके बाद ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जो पावर में हो और इसके बावजूद पार्लियामेंट्री प्रेस्टीज को निगेटिवली अफेक्ट ना किया हो ठीक है निगेटिवली अफेक्ट ना किया हो तो सभी ने किया है वो तो चाहे पावर में हो चाहे अपोजिशन को तो डिफेंडेड द प्रेस्टीज ऑफ पार्लियामेंट वाली बात गलत है रूलिंग पार्टी के लिए ठीक है टू हमारा आउट हो जाएगा वन हमारा इन होगा ओके थर्ड स्टेटमेंट द इनफेक्टिवनेस ऑफ अपोजिशन एंड लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग आर्टिकुलेटेड पब्लिक ओपिनियन इरोजन ऑफ पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्रीजिशन विज अज एग्जीक्यूटिव बाई द प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि यहाँ पे देखो अप्रभावशीलता और सशक्त रूप से व्यक्त जनमत में कमी के कारण प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कार्यपालिका की तुलना में संसद की स्थिति में गिरावट आई है मतलब ये कि पावर का जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे संसद का कमजोर हुआ संसद का कमजोर हुआ और गवर्नमेंट यानी कि जो एग्जीक्यूटिव हैं वो पावर पावरफुल होते चले गए ये बात सही है ठीक है इन थियोरी वी हैव अ पार्लियामेंट्री सिस्टम वेयर द एग्जीक्यूटिव इज कंट्रोल्ड बाय द लेजिस्लेचर बट इन रियालिटी पावर मतलब ऑफ ये है कि तौर पर हमारे पास एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है parliamentary system है। ठीके? लेकिन लेकिन लेजिस्लेचर पर कंट्रोल तो है वो धीरे धीरे से कार्यपालिका का यानी कि एग्जीक्यूटिव का एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार ठीक है गवर्नमेंट जैसे मान लीजिए मोदी जी उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो अपने आप में गवर्नमेंट है पावर सरकार के पास चली गई और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो सैद्धांतिक तौर पर है बट वो अपने आप में कमजोर हो गया अब आप ये फील करके बताइए कमेंट करके बताइए कि क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं हालांकि बात जनरल प्रैक्टिस में सही है ठीक है ऐसा देखा गया है तो चूंकि अब देखो पॉलिटी में अप्लाइड पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं अप्लाइड नेचर के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन इस तरह के हैं

पिछले दस सालों से ऐसे मुद्दे बराबर न्यूज में रह रहे हैं वो क्या है कि अगर किसी स्टेट में सीबीआई कोई एक्शन लेना चाहती है तो उसको एक जनरल कंसेंट लेना पड़ता है अभी क्वेश्चन उसी पे है आइए समझते हैं अंडर दी दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट उसको हम डीपीएससी बोलते हैं ठीक है तो आप नोट करिए इस बात को हम डीपीएससी किसको बोलते हैं और अगर आपने पेपर अटेम्प्ट किया होगा एप्लीकेशन में जाके

जनरल का मतलब अभी बताते हैं और दूसरा केस स्पेसिफिक भी हो सकता है इसमें जो ये नॉट लगा है ना ये यूजलेस है ये इसको गलत कर देता है अब दोनों का मतलब समझते हैं मान लीजिए कि सीबीआई पश्चिम बंगाल में कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है और गवर्नमेंट से यानी कि ममता बनर्जी की सरकार से ममता गवर्नमेंट से कितना अच्छा लगता है लेडीज़ को पावर में बोलते हुए ममता गवर्नमेंट है ना ममता गवर्नमेंट से अगर वो परमिशन लेती है इन जनरल वो तो आपके राज्य में इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है दैट सेट तो ये उसको परमिशन दे सकते हैं इनकी ममता गवर्नमेंट और नहीं भी दे सकते ठीक है दूसरी बात ये केस स्पेसिफिक भी हो सकती है मतलब ये कि ये बता दें कि इनके पास एक्स वाई जेड केस है इस केस के रिगार्डिंग वो जांच करना चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन करना चाहते तो दोनों बातें सही वो इन जनरल भी कंसेंट होता है और केस स्पेसिफिक भी होता है ठीक है नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ लो बीच में कि इन जनरल या केस स्पेसिफिक का क्या मतलब है ठीक है अगर नहीं समझ में आया हो ओके okay, जयंती ओके okay, सुरेंद्र जयंती श्रद्धा सभी लोग इसको इस चीज़ को ध्यान दें अगर आपको ये समझ नहीं आया कोई दिक्कत इसमें ये इन जनरल का यहाँ पे क्या मतलब है तो आप पूछ सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो हमने बताया कि क्योंकि वो इन जनरल भी हो सकता है और केस स्पेसिफिक भी हो सकता है इसलिए ये बातें अपने आप में दोनों आ, सही हैं तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाए क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा जनरल कंसेंट इज नॉर्मली गिवन बाय स्टेट टू हेल्प दिस सीबीआई इन सीमलेस इन्वेस्टिगेशन सीमलेस क्योंकि जनरल है किसी केस के नाम पे नहीं है तो उस वो सीमलेस होता है उसमें क्या है कि सीबीआई बी आई ड्यूरेशन मतलब उस अवधि में लंबी अवधि तक अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रख सकते हैं ठीक है वो केस करप्शन का हो सकता है किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉ का हो सकता है जो कि उनके स्टेट में है जैसे मान लो बंगाल का कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी है उसके खिलाफ अगर केस चल रहा है तो वो इन जनरल कंसेंट वहां पे होता है फोर्थ इन एब्सेंस ऑफ कंसेंट फ्रॉम स्टेट सी बी आई वुड एक्शन इन द स्टेट ये कहता है कि अगर मान लो ममता बनर्जी की सरकार सी बी आई को परमिशन नहीं देती तो सीबीआई मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्टर होम मिनिस्टर से यह कंसेंट ले सकता है यूनियन केंद्र की होम मिनिस्टर से अब बोलो क्या ये फेडरल प्रोविजन भारत की संघीय व्यवस्था फेडरल प्रोविजन का वायलेशन है कि आप स्टेट के मामले में परमिशन या कंसेंट यूनियन मिनिस्टर से लें यस तो चूंकि फेडरल प्रोविजन का वायलेशन है इस कंडीशन में ऐसा कोई प्रोविजन एग्जिस्ट नहीं कर सकता और सीबीआई को इन एनी केस स्टेट गवर्नमेंट से ही परमिशन लेनी पड़ती पर। ठीक है तो ये अपने आप में फोर्थ स्टेटमेंट पे बराबर नहीं है गड़बड़ी है हटाओ इसे अब हमारे पास दो और चार गलत हो गए एक और तीन सही है तो कितने कथन हमारे सही हैं दो कथन सही हैं ठीक है केवल दो स्टेटमेंट अप्लाई होंगे बी आंसर थिंक यू गॉट द पॉइंट ओके ओके आई गॉट कि आप लोगों को ये बात समझ में आई ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर लेजिस्लेचर्स मे चेंज देअर पार्टी विदाउट द रिस्क ऑफ डिस्कालिफिकेशन इन सर्टेन सरकमटेंस ये कहता है कि जो विधायकगण हैं जो विधि बनाने वाले लोग हैं वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर सकते हैं बिना किसी डर के इस बात का डर वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे अपने हाउस बिना किसी डर के ठीक है वो किन किन कंडीशन में है आइए देखते हैं द लॉ अलाउज अ पार्टी टू मर्ज विद और इन टू एन अदर पार्टी ये कहता है कि कानून अलाउ करता है कि वो मर्ज हो जाए जैसे सिंधे की सरकार जो वहाँ पे चल रही है महाराष्ट्र में वो एक बड़े धड़े के साथ गई और बीजेपी के साथ मिल गई ठीक है बीजेपी के साथ मिल गई और वहां पर उसने उद्धव की जो शिवसेना है उस सरकार को उस सरकार को तोड़ा और इसी शिवसेना से कुछ विधायक गण टूटे और सिंधे ग्रुप के साथ होकर बीजेपी के साथ मिल गए और वहां पे सिंधे की सरकार चल रही तो लॉ कौन सा लॉ एंटी डिफेक्शन लॉ जिसके आधार पर टेंड्यूल उसको क्या बोलते हैं इफेक्शन। लॉ अलाउज अ पार्टी टू मर्ज अब देखो यहाँ पे यूपीएससी ऐसे ही आपको छोटा सा लॉ लिख के दे दिया बाकी आपको अपना दिमाग लगाना है कि डिसक्वालिफिकेशन से संबंधित कौन सा लॉ है ठीक है लॉ अलाउज अ पार्टी टू मर्ज विद और इनटू अनदर पार्टी वो कहता है कि वो मर्ज कर सकते हैं जैसे मान लो सिंधे ने अपनी पार्टी बनाई ठीक है तो मर्ज विद इसको बोलेंगे बराबर है ना समझ रहे हो मर्ज विद का क्या मतलब जैसे ने कोई विधायक तोड़े शिवसेना से लेकिन उसने अपनी एक शिवसेना बनाई वो किसी और दूसरी पार्टी के साथ मर्ज नहीं हुआ इसे मर्ज विद कहते हैं या इन टू एन पार्टी क्या वो सारे विधायक किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाते हैं मान लो पवार ग्रुप के साथ चले जाते हैं या कांग्रेस ग्रुप के साथ चले जाते हैं या किसी और ग्रुप के साथ चले जाते हैं। तो उस कंडीशन में मर्ज इन टू एन अदर पार्टी होता ठीक है दोनों कंडीशन के लिए लॉ लागू होता है प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट वन थर्ड ऑफ द लेजिस्लेचर आर फेवर ऑफ मर्जन देखो ये बात एटलीस्ट वन थर्ड वाली बात कुछ समय के लिए सही थी लेकिन जब से एंटी डिफेक्शन लॉ पास हुआ है तब से वन थर्ड वाली बात गलत है टू थर्ड होना दो तिहाई विधायक अगर टूट के जाए और वो कोई पार्टी बना लें तो उनको डिसक्वालीफाई नहीं किया जा सकता ये लोकतंत्र है अगर वो दो तिहाई किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलके सरकार बना लेते हैं तो भी वो डिस्कालीफाई नहीं करे जाएंगे ये भी अपने आप कानून है ठीक है आइए देखते हैं तो ये वन थर्ड वाली बात गलत है और टू थर्ड यहाँ पे होना चाहिए इसलिए ये वाला स्टेटमेंट आपका हो जाता है गलत सेकेंड देखते स्पीकर ऑफ लोकसभा अब केंद्र की बात हो रही है है ना देखो यहाँ पे लेजिस्लेचर लिखा है संसद के भी सदस्य लेजिस्लेचर होते हैं विधानसभा के सदस्य भी लेजिस्लेचर होते हैं लेजिस्लेचर का मतलब लॉ बनाने वाले लोग तो ये बात एम एम एल एज दोनों पे लागू होगी ठीक है इफ ए मर्जर इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ लोकसभा जैसे कि ओम बिरला और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा देन ही कुड रिजाइन फ्रॉम हिज पार्टी एंड रीज्वाइन दार्टी वंस ही पोस्ट अब देखो सम, इस बात को समझो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है वाइस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए व्यक्ति को अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रेजिग देना पड़ता है ठीक है अमित ध्यान देंगे वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए किसी भी पर्सन को अपनी पॉलिटिकल पार्टी से इस्तीफा देना पड़ता है अब मान लो वाइस प्रेसिडेंट बन गए अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया ठीक है और जब उनका वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल यानी कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होता है और इसके बाद वो अपनी पार्टी दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं वो डिसक्वालीफाई होने से बच सकते हैं ठीक है ये बात सही है और यही बात लोकसभा स्पीकर के लिए भी सही है अब ये बात ना तो तुमको लक्ष्मीकांत में मिलेगी ना तो तुमको एन में मिलेगी ये बात निकल के आती है जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं ना पार्लियामेंट्री प्रोसीजर कैसे काम करते हैं उससे रिलेटेड जो सरकारी दस्तावेज होते हैं वहाँ से बातें निकल फिर से सुनिए अगर कोई व्यक्ति स्पीकर हो जाता है और वो अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देता कोई बात नहीं इससे उसकी सदस्यता नहीं जाएगी हाँ वो कोई दूसरी पार्टी ना ज्वाइन करेगी ध्यान देने वाली बात जब वो स्पीकर का कार्यकाल समाप्त कर लेता है और वो फिर से अपनी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो डिस्कालीफाई नहीं होगा इसलिए कथन सही है है ना गंभीर बात ठीक है तो हमारा यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट विल बी ओके ये दूसरा भी सही है माई हेल्थ इज इम्प्रूविंग जयंती थैंक यू फॉर योर वर्ड्स और टोली वी आर गेटिंग ऑन ट्रैक बाकी के प्रोविजंस आप इधर पढ़ सकते हैं कि नाइन्टी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया था डिफेक्शन लॉ में इसने वो बदलाव किया क्या वन थर्ड वाली बात हटाकर यहाँ पे थर्ड कर दिया गया डिफेक्शन लॉ में ये परिवर्तन किया गया टू थर्ड कर दिया गया फॉलोइंग भी कुछ क्वेश्चन है, है? तो, से, किन किन जगहों पर चाइना के नवल बेसिस हैं नवल बेसिस या पोर्ट है जहां पर रिफ्यूलिंग हो सकती है तो चाइना के नवल बेसिस कहा जिबूती कहाँ पर है रेड सी के निचले मुहाने के पास अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है सित्वे ये म्यांमार का पोर्ट है सित्वे ये म्यांमार का पोर्ट है चिट्टोंग बांग्लादेश के अलावा शान्या सेसल्स आइलैंड है और माडक आइलैंड है माडक में नहीं है बाहर करो के अलावा सेसल्स में भी नहीं है से भी बाहर करो तो कौन कौन से बचे वन टू थ्री वन टू थ्री फोर नहीं बताइए किसी को पता है सेसल्स में अमेरिकन आर्मी है सेसल्स के एक आइलैंड में अमेरिकन आर्मी है वहां पे होती है ठीक है तो चार कथन सही हैं यह है सी फोर स्टेट ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स consider the statement about international criminal court अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बारे में कौन-कौन से इस क्वेश्चन को देखो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में हम शॉर्ट सौ, में आईसीसी कहते हैं आईसीसी इज अ परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट एस्टैब्लिशड टू इन्वेस्टिगेट तो देखो क्वेश्चन कहाँ-कहाँ है ये परमानेंट बॉडी है हाँ ये सही है इन्वेस्टिगेट करती है प्रोसीक्यूट करती है मतलब मुकदमा चला चलाना होता है प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेट करना मतलब होता है जांच करना ठीक है एंड ट्राई इंडिविजुअल एक्यूज ऑफ कॉमिटिंग मोस्ट सीरियस क्राइम्स जैसे कि जेनोसाइड जेनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार ठीक है कहीं पर है यह नरसंखार होता है जेनोसाइड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी मतलब मानवता के खिलाफ क्राइम वार क्राइम्स वार क्राइम का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि उन्नीस सौ इकहत्तर का वार आपने पढ़ा वहां पे पाकिस्तान आर्मी बांग्लादेश में इंटर कर गई थी ठीक है? वार क्राइम नहीं है वहां पे बांग्लादेश में जाने के बाद बहुत सारे का रेप हुआ, हंड्रेड टू हंड्रेड नो मोर देन लाख मोर देन वन लाख का रेप हुआ जिनमें छोटे छोटे बच्चियाँ भी थी इसे कहते हैं वार अगेंस्ट ये क्राइम क्राइम्स इसको बोलते हैं ठीक है सिविलियन के ऊपर बॉम्ब फेंकना बिना किसी वजह के और जो घटनाएं मैंने बताई आपको अपने आप में है एंड क्राइम ऑफ एग्रेशन क्या मान लो कोई ऐसा एग्रेशन करता है तो ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऐसे मामलों में इन्वेस्टिगेट करती प्रोसिक्यूट करती है और ठीक है सेकेंड स्टेटमेंट ट हैजिस्टिक्शन ओनली ओवर क्राइम्स कमिटेड आफ्टर जुलाई फर्स्ट टू थाउजेंड टू विन द रोम इंस्टीट्यूट इंटर द फोर्स अब आपको ये फैक्ट पता चला गया कि आई सी सी ये जो क्राइम्स के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन करती है ये रोम इंस्टीट्यूट से इस्टेब्लिश होता है ठीक है और इसलिए ये उन क्राइम्स पर लागू होती है ये बात जो कि एक जुलाई दो हजार दो के बाद कमिट हुई क्योंकि <laughs> एक जुलाई 2002 को रोम इंस्टीट्यूट लागू हुआ इसे अभी आप रोम संविधि को आप अपने आ, नोट्स में लिखिए ठीक है रोम इंस्टीट्यूट को अपने नोट रोम संविधि इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है थर्ड गलत हो जाएगा आईसी does डज नॉट रिप्लेस नेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम राधर इट कॉम्प्लीमेंट दि हाँ जो भारत का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है या किसी भी देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आईसीसी उसमें इंटर नहीं करती इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उन केसेस में, में बांग्लादेश में जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करी उसमें बांग्लादेश के न्यायालय कुछ भी सजा दे दे क्या पाकिस्तान में उन पाकिस्तान के लोगों को सजा लागू हो गी? नहीं वो सजा कौन लागू करवा सकता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसलिए ऐसे अंतरराष्ट्रीय मामलों में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अपना जो लागू करती है तो इस तरह से ये चौथा स्टेटमेंट सही है तो हमारे तीन कथन सही हो गए और एक गलत है ठीक है वन टू फोर ये सी आंसर होगा ठीक है ये ध्यान रखना कि भारत इसका सिग्नेटरी नहीं है क्वेश्चन नंबर सेवन आइए देखते हैं ये भी आईआर के बेसिक क्वेश्चन लिया गया है ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर करेक्टली स्पेल्ड सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स ई e -E यानी कि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र क्या होता है जैसे कुछ टर्म समझ लेते हैं बार बार आने वाला है बेस्ट लाइन कहीं पे लिखा है चलिए देख लेते हैं जो बेस लाइन आए हाँ ये बेस लाइन में इसको समझ लेते हैं इस शब्द को जैसे मान लो ये भारत का मैप है ठीक है ऐसे भारत का मैप है यहाँ पे फिर गुजरात है राजस्थान है और कश्मीर है ना ये इस पार्ट को हम थोड़ा हाईलाइट करते हैं इस पार्ट को अब जैसे मान लो इसको हम जूम करके देखें तो ये ऐसे दिखाई पड़ेगा ऐसे ठीक है तो इन इन दो पॉइंट को हम डॉट डॉट कनेक्ट करेंगे जो ऊपरी पॉइंट होते हैं जैसे मान लो ये दो हाईएस्ट ऊंचे तो वाले पॉइंट है ना इनको हम डॉट 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 करके कनेक्ट करते हैं सीधी लाइन से सीधे रेखा से यहाँ से लिया जाएगा 200 किलोमीटर नॉटिकल माइल कमेंट करके बताइए 200 हंड्रेड नोटिकल माइल होता है किलोमीटर नहीं ठीक है ना so एन एम नोटिकल माइल होता तो टू हंड्रेड माइल तक जो पानी है इसमें अगर हीरे मोती तेल कुछ भी मिले वो सब किसका है भारत का और 200 के बाहर मिले वो किसका है किसी का नहीं है ठीक है वहाँ पे कॉमन तो एरिया कहलाता है और उसमें किसी देश का तो दो सौ नोटिकल माइल के बाहर किसी देश का देश की संप्रभुता नहीं लागू होती आर्थिक क्षेत्र के मामले में अप टू टू हंड्रेड नोटिकल माइल तो ये नोटिकल माइल क्या है इसको भी समझ लेते हैं एक नोटिकल माइल बराबर करीब करीब एक दशमलव छह किलोमीटर होता है अब आप समझ जाओ दो सौ नोटिकल माइल का मतलब कितना हुआ तीन सौ बीस किलोमीटर के आसपास इतने एरिया तक भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा वहां पे जो भी चीजें आर्थिक लाभ वाली होंगी वो तो सब भारत की बराबर है तो पहला कथन पढ़िए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है ईच कोस्टल स्टेट मे क्लेम एन ई जड बियॉन्ड एन एडजेसेंट टू तो इट्स टेरिटोरियल सी एट एक्सटेंट सी वर्ड अप टू टू हंड्रेड माइल फ्रॉम इट्स बराबर है ठीक है ठीक दूसरा इंटरनल वाटर दीज आर वाटर्स ऑन द लैंड वर्ड साइड ऑफ द बेस लाइन फ्रॉम विच द ब्रेथ ऑफ टेरिटोरियल सी इज मेजर्ड ठीक है ये देखो इंटरनल वाटर की परिभाषा अपने आप में सही है ये कहता है कि लैंडवर्ड साइड कहाँ से बेस लाइन से यानी कि इससे इस, इस साइड में इसकी माप की जाती है ठीक है तो दूसरा सही है पहला भी सही है दूसरा भी सही है ध्यान से देखिए तीसरा लिखा है कंटिगस जोन इट एक्सटेंड सी वर्ड अप टू ट्वेल्व नॉटिकल माइल ये कहता है कि समुंदर की ओर समुंदर की ओर ये ट्वेल्व नॉटिकल माइल ट्वेल्व नॉटिकल माइल फ्रॉम बेस लाइन बेस लाइन से ट्वेल्व नॉटिकल माइल समंदर की ओर होता है तो उसे कंटिगूस जोन कहते हैं ऐसा ही है नहीं, इसे कहते हैं। ठीक है ये चौबीस नॉटिकल माइल कंटिगुअस जोन होता है यानी कि सन्निहित क्षेत्र होता है चौबीस नॉटिकल माइल ये बारह गलत है ध्यान रखेंगे और प्रादेशिक सागर यानी कि टेरिटोरियल सी ये अपने आप में बारह नॉटिकल माइल होता है 12 नॉटिकल बारह माइल तो इस तरह से ये तीसरा और चौथा एक दूसरे से रिप्लेस कर दो तो यूपीएससी ऐसे बहुत करता है तो आपके वन एंड टू केवल स्टेटमेंट सही हैं वन एंड टू मतलब दो कथन कहाँ पे दो कथन है यहाँ पे बी आंसर हो जाए परिभाषाएं लिखी है कंटिगुअस जोन की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की यहां पे लिखी है ना आईसी परिभाषा यहां पे लिखी है चलो क्वेश्चन नंबर कंसिडर कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग जूरिस्टिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार है

सुप्रीम कोर्ट का जोरिशिक्शन लागू होता है ठीक है सुप्रीम कोर्ट का जोरिशिक्शन जिन मामलों में लागू होता है उस पर कोई और कोर्ट अपनी पावर अपनी एक्सरसाइज नहीं कर सकती ये सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार है समझ रहे हैं जहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट का जोरिशिक्शन लागू होगा वहां पर कोई और अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर रही ये है हमारी सुप्रीम कोर्ट का पावर बराबर है दूसरा ओरिजिनल जोरिस्टिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल मीन दैट पार्टीज टू डिस्प्यूट शुड बी यूनिट ऑफ फेडरेशन मतलब ये जो ओरिजिनल जोरिस्टिक्शन की बात कही जाती है उसका मतलब यह है इसका मतलब यह है कि जो पार्टीज हैं वो किसी फेडरेशन यानी किसी संघ की इकाइयां होनी चाहिए ठीक है तो हम किस फेडरेशन की बात कर रहे हैं इंडिया की बराबर इस केस में ओरिजिनल जोरिस्टिक्शन सुप्रीम कोर्ट का काम करेगा जैसे कि मान लो दो राज्यों के बीच में बिहार यूपी अगर इनके बीच में कोई झगड़ा होगा तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है ये ओरिजिनल ज्योरिस्टिक्शन होगा बराबर है सुप्रीम कोर्ट इन ऑस्ट्रेलिया अब देखो क्वेश्चन तो ऐसे लेंदी लेंदी ही यूपीएससी में आजकल आते हैं ठीक है तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अनलाइक द सुप्रीम कोर्ट इन ऑस्ट्रेलिया द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडियन सुप्रीम कोर्ट डज नॉट ओरिजिनल जोरिस्ट्रिक्शन टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन रेजिडेंट ऑफ डिफरेंट स्टेट और दोस्त बिटवीन स्टेट रेजिडेंट ऑफ एन अदर मतलब भारत या अमेरिका दोनों के पास ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट के जैसे ये पावर नहीं है वो एक देश और दूसरे देश के नागरिकों के बीच में कोई जजमेंट दे सकें ठीक है ये ऑस्ट्रेलिया में है ये देखो इस ये इस तरह का डिफाइंड जो ऑस्ट्रेलिया में ये हम क्वेश्चन किस टॉपिक के अंदर ले सकते हैं तो विभिन्न देशों के बीच में संविधानों का तुलना है संविधानों की तुलना है उसके प्रावधानों की जो एक कंपैरिजन किया जाता है यह हम उस टॉपिक के अंतर्गत ले सकते हैं जो कि सही होगा ठीक है सुप्रीम कोर्ट आल्सो हैज नॉन एक्सक्लूसिव ओरिजिनल नॉन एक्सक्लूसिव का मतलब वो क्षेत्राधिकार क्षेत्र पे अकेले सुप्रीम कोर्ट केस ट्रायल नहीं करेगी वहां पे दूसरी कोर्ट भी ट्रायल कर सकती है। ओरिजिनल का मतलब कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो जैसे मान लो तुम्हारा मौलिक अधिकार वायलेट हुआ मूल अधिकार, तो अधिकार वायलेट होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो हाँ, ठीक है वहां पे मौलिक अधिकारों के मामले में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होने का मतलब भी है कि सीधे आप उस न्यायालय में जा सकते हैं आपको अपील की आवश्यकता नहीं बराबर है चलिए ज्यूरिसडिक्शन ऑफ प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट अभी हमने इसी के बारे में बात करी है तो ये अपने आप सही है इससे चारों कथन ठीक है ऑल फोर स्टेटमेंट अबाउट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अगेन एनसीआर आई आर का टॉपिक है okay? so, इटलियन हेल्थ मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ डब्ल्यू एच ओ एग्जीक्यूटिव बोर्ड डॉक्टर हर्षवर्धन जो भारत के हैं देश के ठीक है चूंकि ये हेल्थ मिनिस्टर थे उस समय जब Uh, इनका यहाँ पे चुनाव हुआ था और इनका समय समाप्त हो रहा है 2023 के बाद ध्यान रखना यानी कि अगर कोई नया व्यक्ति जो चुनाव जाएगा उस पर आपको नजर रखना ठीक है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अभी अभी के लिए गलत हो गया क्योंकि वो इटालियन नहीं हर्षवर्धन हर्षवर्धन इंडियन हेल्थ मिनिस्टर ठीक है <coughs> चलिए दूसरा देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इज डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ डब्ल्यू एच ओ ये बात ठीक है इट इज अटेंडेड बाई डेलीगेशन फ्रामूच मेंबर स्टेट एंड फोकसेस ऑन स्पेसिफिक हेल्थ एजेंडा प्रपेयर्ड बाई डब्ल्यू एच ओ बोर्ड भी ठीक है मतलब ये कहता है कि डब्ल्यू एच ओ के जो सदस्य हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं आते हैं और उनके द्वारा इसमें एजेंडे बनाए जाते हैं ठीक है डब्ल्यू एच ओ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ये एजेंडा तय करता है चलिए क्वेश्चन नंबर अरे फोर्थ स्टेटमेंट इट इज ए टूथलेस टाइगर एज इट हैज नो सुपरवाइजरी एंड बजटरी पावर ये बात गलत है देखो इसको टूथलेस टाइगर नहीं मतलब दांतहीन बाघ का अच्छा मुहावरा है ओके इसको टूथलेस टाइगर नहीं कह सकते क्यों क्योंकि इसके पास फाइनेंशियल मैटर में सुपरवाइजरी पावर है सुपरवाइज कर सकता है फाइनेंशियल मतलब कहाँ पे कितना पैसा जा रहा है कौन सा पैसा सही खर्च हो रहा है कौन सा पैसा खर्च हो रहा है चीजों पर यह नजर रख सकते नोस बोल के बात खराब कर दी गई तो स्टेटमेंट कितने सही हुए दो और तीन कंसिडर अबाउट ओपन स्काई ट्रीट देखो ओपन स्काई ट्री एक ये है तो स्पेस के पीसफुल यूज को फोकस कर दी जिसमें कि खास तौर से रसिया यूरोपियन एंड अमेरिका इन मेंबर्स की प्रजेंस अपने आप में इंपॉर्टेंट है इनकी प्रजेंस है ओपन स्काई ट्रीटी इज एन एग्रीमेंट दैट परमिट्स ईच स्टेट पार्टी टू तो कंडक्ट शॉर्ट नोटिस अनआर्म्ड फ्लाइट ओवर अदर टेरेट्रीज कलेक्टेड डेटा मिलिट्री फोर्सेज एक्टिविटीज समझते हैं बात को जैसे कि मान लो अगर दो देश फॉर एग्जाम्पल रसिया यूएसए ओपन स्काई ट्रीटी के मेंबर हैं तो रसिया की टेरिटरी के ऊपर अमेरिका की फ्लाइट है परमिशन लेके सर्वे कर सकते हैं मतलब सर्वे जाँच पड़ताल कहाँ पे रसिया के मिलिट्री वेस्ट कहाँ पे रसिया की आर्मी प्रैक्टिस कर रही है सो दैट भी वार की कोई तैयारी तो नहीं इन चीज़ों को प्रिवेंट करने की यही बात रसिया अमेरिका के ऊपर जाके अमेरिका की टेरिटरी के ऊपर उनके मिट्टी के ऊपर जाके इस तरह का सर्वे कर सकता है ठीक है तो ऐसा ओपन स्काई ट्रीटी परमिट कर ये बात सही लेकिन कब अगर आप उसके मेंबर हैं तो करेंटली इसमें चौंतीस मेंबर हैं ठीक है ठीके? इंडिया एंड चाइना इसके मेंबर हैं क्लियर है बात सही हो गई ओपन स्काई कंसल्टेटिव कमिटी कंप्राइज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल स्टेट पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंट मतलब ये कि जो ओएससीसी है ओपन स्काई कंसल्टेटिव कमिटी कमीशन वो लागू करता है इसके नियम कानूनों को सही है तो इस तरह से वन टू तीनों कथन सही हो जाएंगे यही आंसर होगा यहाँ पे देख लो देखो किर्गिस्तान वो रेटिफाई उसने नहीं किया है अभी साइन कर चुका है बाकी इनके मेंबर कौन है नॉर्थ अमेरिकन यूरोपियन अमेरिका यूके रसिया टर्की सब इसके में